कौन है बौद्ध देवी हरिति जिनके मूर्तियों को परिवर्तित करके पाखंडियों ने शीतला माता बना दिया। वह बौद्ध देवी हरिति जिनके मूर्तियों का प्रमाण पूरे भारत से लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान तक मिल जाता है, और 14वीं शताब्दी के बाद किस तरीके से बौद्ध देवी हरिति की मूर्तियों को शीतला माता मंदिर में और शीतला देवी के रूप में परिवर्तित कर दिया पाखंडियों ने। न्यूज रिपोर्ट अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे पूरी तरीके से आप समझ पाएंगे कि पाखंडियों ने कौन सा खेल खेला है। नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आइए जानते हैं कि हरिति थी कौन। बौद्ध धर्म में हरिति को छोटे बच्चों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, और यह एक यक्षिणी थी। प्रारंभ में हरिति एक यक्षिणी थी जो छोटे बच्चों का अपहरण करके उन्हें मार कर खा जाती थी, परंतु भगवान बुद्ध ने उसके हृदय को परिवर्तित किया तथा जगदम्बा की उपाधि प्रदान की। तभी से वह बौद्ध धर्म में एक देवी के रूप में पूजी जाने लगी। हरिति की पूजा आज भी पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में बीवी साहिबा के नाम से की जाती है। पाकिस्तान में हरिति को बीवी साहिबा बना दिया गया, और भारत में पाखंडियों ने हरिति की मूर्तियों को शीतला माता बना दिया। अब इसे देखिए, हरिति की यह प्रतिमा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा झांसी जनपद के ग्राम स्तरीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान बामौर विकास खंड के ग्राम भरसूड़ा से प्राप्त हुई थी। पकी मिट्टी की यह मूर्ति दो भुजाओं वाली है। यह अपनी बाई गोद में एक शिशु को धारण किए हुए है। यह प्रतिमा लगभग 2000 वर्ष पुरानी है तथा भारत की हरिति प्रतिमाओं में से इस प्रतिमा का स्थान उत्कृष्ट है। कहा जाता है बुद्ध से ज्ञान प्राप्त होने के बाद हरिति का हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ कि जो हरिति बच्चों का अपहरण करती थी और उन्हें मारकर खा जाती थी, वो हरिति बच्चों का रक्षक बन गई, और वह खुद 500 से अधिक बच्चों का भरण पोषण पालन करती थी, और उसने इतनी शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि बच्चों को होने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, यह उन सब का इलाज पलक झपकते ही कर देती थी। इसीलिए आज भी हरिति को जब छोटे बच्चों को चिकन पॉक्स यानी चेचक निकलती है, तब इन्हीं हरिति का आवाहन किया जाता है, जिससे बच्चों को लाभ मिलता है।